क्या है खाने में? चिकन मसाला, चिकन फ्राई, चिकन करी, चिकन बिरयानी, मटन मसाला, मटन फ्राई, मटन करी, मटन मलाई, मटन हलवाई, मटन पनीर, मटर कोफ्ता, दाल फ्राई, दाल मखनी, रोटी है, चावल है, बोलो क्या लेके आऊं? दो दो प्लेट सबके ले आइए। दो दो प्लेट? और लोग भी आने वाले हैं क्या? हम लोग हैं ना, काफी हैं। दो आदमी में इतना खाना? जिंदगी में पहली मरतबा खाना खा रहे क्या? आदर भाई, यार ये हो क्या रहा है? मुझे लग रहा है जैसे जैसे कमिश्नर के बाल झड़ रहे हैं वैसे उसकी अकल भी झड़। ऑर्डर लाना। अरे किधर से लाऊं, वो सब खा गए यार, खाली ये दो बचा है। मेरा ऑर्डर किधर है? खाली चिल्लाता है। बेटा क्या है? अरे भाई अभी किचन में कुछ बचा नहीं है, एक मैं बचा हूँ, मेरे को नमक मिर्च डाल के खा लो तुम लोग। अरे भाई साहब चाय तो होगी। कितना डजन लेकर आऊं? यार ये हो क्या रहा है? अरे भाई दो आदमी तो दो ही कप चाय पियेंगे। देखता हूँ, होंगी तो लाऊंगा, नहीं तो चानस नहीं है। एक आदर भाई, यार ये हो रहा क्या है? चैलेंज दे दिया है। कमिश्नर साहब ने हीरे की सिक्योरिटी देकर हमें चैलेंज दे दिया। हीरा, ये लो चाय। ए, चाय का ऑर्डर किसने दिया बे? तुम बोला था ना चाय लेके आओ। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, हम लोग दूध पीते हैं। क्या दूध की बनी खीर खाते हैं? जा जाके खीर लेके आ। काय को हैरान करते हो, चाय लो ना। ए कादर भाई, कोई नूर हीरा जो है वो आज म्यूजियम में रखा जाएगा, कल पब्लिक के लिए खुलेगा। तो सोच रहा हूँ आज ही चल करके बंदोबस्त देख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। बढ़िया, हाँ बढ़िया। यार इस बार गड़बड़ नहीं हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कमिश्नर है ये बहुत। ये क्या है भाई साहब? मेरे मालूम था तुम ऐसी बोलने वाले हो, तुम्हें भी बोला था ना खीर लेकर आओ। अरे तुझसे खीर मंगवाई थी कि चाय? यार मैं पागल हो जाऊंगा। ये लो चाय, ये खीर आउट। चल बे खसक, चलो 1,080 रुपए निकालो। क्या 1,080? 540 रुपए की एक चाय? ए कादर भाई, अबे क्या कादर भाई, कादर भाई, कादर भाई लगा रखा है। ले आ गया कादर भाई। क्या है भाई, ये लोग खाना खा के पैसा नहीं दे रहे। कौन ये? यार ये हो क्या? ये खाकी वर्दी पहन के बच्चे को हुलने लगा क्या? फोन लगाऊं शामू का भी? शामू कौन? तुम्हारा कमिश्नर श्यामलाल, अपने बचपने का दोस्त है, लगाऊं? अरे नहीं, देखिए कमिश्नर साहब को फोन मत कीजिएगा, हम पैसे दे देते हैं आपको। यार ये हो क्या रहा है? यार पूरा पैसा निकाल, साथ में इसका टिप भी निकाल। हाँ? देखा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, मानता है कि नहीं? यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन है? तो क्या हुआ, मैं इस म्यूजियम का इंचार्ज हूँ, हीरे की सिक्योरिटी करना मेरा फर्ज है, ठोक बजा कर ही अंदर जाने दूंगा। तू हमें ठोकेगा बजाएगा? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, इंस्पेक्टर प्यारे मोहन। तो क्या हुआ, पुलिस की वर्दी पहनकर आजकल चोर लोग घूमते हैं। आइए आइए। पागल है साला। अर्जुन सिंह, प्यारे मोहन। देखा हमारा अरेंजमेंट? हाँ, अंदर का अरेंजमेंट तो देख लिया, बाहर की सिक्योरिटी हम देखेंगे। ओके। चल प्यारे। अरे तुम लोग फिर, अब क्या चाहिए? हीरे की सुरक्षा जांच करने आए हैं। अरे अभी तो देख कर गए थे, दोबारा फिर तो क्या हो गया? दो बार खाना नहीं खाते, टीवी नहीं देखते, बीवी नहीं देखते? दो बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, 1,000 बार देखेंगे, तुम्हारा काम है दिखाना। दिखाओ। दिखा। आओ हट, खोलो खोलो। यहाँ पर चारों तरफ हमारे कैमरे लगे हुए। धन्यवाद। जो भी हीरे की तरफ आगे बढ़ेगा उसका फोटो खींच जाएगा। धन्यवाद। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी चकमा देकर अंदर आ सकता है। तो क्या हुआ, जैसे ही कोई शोकेस लगाएगा चारों तरफ घंटियां बजने लगेंगी, अलार्म बज उठेंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, सिक्योरिटी की जांच पड़ताल, घबराने की कोई बात नहीं। अटेंशन, पीछे मुड़। सर वापस। क्या 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 क्या? धन्यवाद। जैसे ही चोर इस हीरे को उठाएगा फिर से घंटियां बजने लगेंगी और एक तेज रोशनी यहाँ से निकलकर उस पिंजरे से टकराएगी जो सीधा चोर की खोपड़ी पे आके गिर पड़ेगा।
ओहो, ये पिंजरा ऊपर से गिरेगा तो चोर ससुरा चपड़ के ऑमलेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? हीरे दागी है मैं। तो क्या हुआ? अबे हीरे में दरार है। हीरे में दरार? क्या बात करते हो? क्यों हार्ट अटैक देना चाहते हो? दिखाई दे रहा है हीरे में दरार है। क्या क्या बोलता? क्या सुन, वापस बोल रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा हीरे में दरार है। अबे तो तुम कब कब देखते हो तुम्हें हीरे में दरार? ऐसा नहीं, मुंडे और हीरा एक लेवल पे आना चाहिए। और आगे ऐसा नहीं, सीधा ये लीजिए। अब आगे निकाल। अब ये हम हीरा हल्के से हटाएं। रिलैक्स, अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। भाई साहब, मुंडी मत हटाइएगा। क्यों? मुंडी हटाइएगा तो नीचे से पिचकारे निकलेगा। पिचकारे निकलेगा तो ऊपर पिंजरे को छुएगा। पिंजरे को छुएगा तो पिंजरा नीचे आएगा। पिंजरा नीचे आएगा तो आपका फ्राई ऑमलेट हो जाएगा। ये तो मैंने ही बताया। अरे मुझे कहां फंसा दिया? अरे मेरी बात तो पागल है। कितने शर्म की बात है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कटवा दी तुम दोनों ने। तुम्हें हीरे की हिफाजत के लिए भेजा था और तुम्ही लोगों ने उसे चोरी कर लिया। सर ये सरासर झूठ है। हम लोग बाहर सिपाहियों के साथ ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग अंदर जाकर चोरी कैसे करेंगे? शायद तुम लोगों को पता नहीं कि अंदर कैमरे लगे हुए थे और हीरा चोरी करते वक्त तुम दोनों की बेवकूफाना तस्वीरें आई हैं उन कैमरों में। सर ये कैसे हो सकता है? आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? सर हम लोगों ने चोरी नहीं की है। नहीं, तुम लोगों ने नहीं की है, तुम लोगों के भूत आए थे चोरी करने। मैं आज तक तुम लोगों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करता रहा, उन पर पर्दा डालता रहा, लेकिन आज तुम दोनों ने माफी वाली गलती नहीं की है, सजा देने वाली गलती की है। मैं तुम दोनों को सस्पेंड करता हूं और जब तक वो हीरा नहीं मिल जाता तुम दोनों जेल के अंदर रहोगे। अरेस्ट देम। अबे बड़े छोटे, अबे बरवाओगे क्या? अबे इधर आओ। ये हीरा नहीं, बम है बम। तो बिकवाया यार, इसकी जात का मारो कुछ पैसा वैसा मिले यार। अबे इसको बिकवाने के चक्कर में चोर बाजार बिक जाएगा, ये हीरा नहीं बिकेगा। क्यों, क्या कीमत होगी? करोड़ों में बैठेगी। ए बड़े हमको ये हीरा बहुत पसंद आ गया है, इसको आधा कार्ड के बीच वाली उंगली में पहनते हैं। सठिया क्या होगा? सराफत भाई, इसे बेचने का कुछ आइडिया बताइए ना। देखो भैया, एक आदमी को मैं भी जानता हूँ, दुनिया की नजरों में वो मूर्ति बनाने वाला आर्टिस्ट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे चोरी का माल खरीदता है। नाम है उसका जोरावर, वो ही इस हीरे की कीमत दे सकता है। जोरावर, हाँ तुमको तुम्हारा हीरा मिल गया, हमको हमारा माल दे दो। वो अभी नकद और जल्दी हमको निकलना है यहाँ से। अब हीरा तो मिल गया, हीरोइन कहाँ है? कौन हीरोइन? हीरोइन हीरोइन नेहा। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हम किसी नेहा बेहा को नहीं जानते हैं। मतलब नेहा तुम्हारे पास नहीं है? बोल दिया नहीं जानते, नहीं जानते। तो शरद जरा बेबी को ला तो। चल भैया। भैया बड़े पहचाना? जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है यार। ये वही है इंस्पेक्टर की बहन। भैया मुझे बचाओ। देखिए भाई साहब, ये लड़की ना मेरी बहन है ना मैं इसका भाई। भैया यानी ये लड़की तुम्हारी बहन नहीं है? अरे कितनी बार बोलेंगे मेरी बहन नहीं है। ए इधर आओ, ये आदमी क्या आपका बॉस है? यस। ये क्या पागल है, अंधा है, बहरा है, न सुन रहा है, न समझ रहा है, न देख रहा है? देखा बेबी, तेरे भाइयों को ही तेरी इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे दोष मत देना। लूटो, बाकी कुछ बचे तो फ्रिज में रख देना। हमारी बहन है। देखिए भाई साहब, हम नेहा को लेकर यहाँ आते हैं, लेकिन हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। चल चुके। आइए, आखिर असली मुजरिम मिल गया आपको? हमें मालूम था सर, एक दिन आप अपने किए पे बहुत पछताएंगे। क्या बात है सर, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। ना तो मुझे असली मुजरिम मिला है और ना ही मैं पछता रहा हूं। मैं तो तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी बहन सीमा को क्या हुआ? सुनो, क्या हो गया सीमा को? सर सीमा को किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? हाँ सर, प्लीज सर, एक दिन के लिए मुझे यहां से छोड़ दीजिए। सर हम लोग सीमा को ढूंढ के अपने आप को दोबारा आपके हवाले कर देंगे। सर सीमा की फिक्र मुझे भी है, मेरी बेटी की तरह है। मैंने सारी चौकियों में खबर कर दी है
नाकाबंदी पूरे शहर में हो गई है, सीमा को कुछ नहीं होगा। लेकिन सर किडनैप करने वाले कौन है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, भगवान न करे मेरी बहन को अगर कुछ हो गया। सीमा को कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों बात चपल खंचो, वहां खड़े खड़े सूखी हिचकिया क्या ले रहा है? आए अबे ठीक से दिखाने दे रहा तो दूसरे भी खोल ले खड़े। खोल खड़े क्यों भाई, तुम लोग इतना हैरानी से क्या देख रहे हो? राम और शाम नहीं देखे तो दिलीप कुमार की? अरे हमने भी नहीं देखी थी, उस दिन पहली दफे तुम्हारे लोगों के यहाँ देखी, याद है? करेला करेला क्यों भाई टकले क्यों बचाना की नहीं अंदर का? याद है उस दिन कोठे में कैसे हम लोग घुमा के दिए थे तुमको? हमारे साथ ठुमका मार के नाच रहे थे, हम रुपया उड़ा रहे, हमारा गिरेबन पकड़ा उठा के हम फेल दिए रहे, याद है? फेल दिए रहे। वो तुम थे? हाँ हाँ, तुम लोग की जिंदगी में आज तक जो कुछ भी बुरा हुआ है ना उसके पीछे तो थे। और वो हीरा भी हम ही ने चुराया था। तो हीरा कहाँ है? अरे हीरा देखकर तो छूटे है यार, उन लोगों ने कहा है कि नया जी को वहाँ पर पहुँचा तो सीमा जी को यहाँ पर पहुँचाएंगे। अर्जुन प्यारे, तुम दोनों के कोई जुड़वा भाई तो नहीं थे? नहीं नहीं सर। बचपन में बिछड़ गए हो? नहीं सर। मेले में खो गए हो? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर ये कहाँ से आए? अबे खुदा के करम से, ईश्वर की कृपा से और पब्लिक की डिमांड से, आप लोगों के नसीब से आपकी बहन को छुड़ाने आए हैं। यूँ समझ लीजिए ये जोरावर का अड्डा है, यहाँ पर सारी मूर्तियां उर्तियां रखी हुई हैं और हम लोग गाना गाते हुए यहाँ से नहीं, यहाँ सीढ़ियां हैं, यहाँ से नीचे आएंगे, गाना वाना गा के हम उसका मन बहला रखेंगे। ये छोटे तुम उनको खैनी उनी खिला देना ताकि उनकी खुपड़ियां जो है वो पिरा। खिला दिए खिला दिए। मगर हम लोगों का आना कब होगा भाई? देखो देखो देखो, जैसे हम लोग गाना खत्म करेंगे हम लोग दोनों बोलेंगे धिन तक धिन तक धिन तक। हाँ के बाद ही जो कांच की खिड़की है इसे, अबे कहाँ देख रहा है, यहाँ देख, ये जो कांच की खिड़की इसे फोड़ के अंदर आ जाना। देखो मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा, अगर तुम दोनों भाग गए तो। ए बड़े, हम लोग मदद कर रहे हैं, टकले अंकल शक कर रहे हैं। जाओ हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, खुद ही पकड़ लेना जाके। एक मिनट बुरा मान गए, बैठो बैठो। प्रॉब्लम क्या है ना, अगर तुम लोग नाचोगे गाओगे तो मेरा भी दिल।